और मेरे थिएटर को कैसे हुआ आप? हम सभी को पाव भाजी बहुत पसंद रहती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग बाजार जैसी घर में बनाने जाते हैं तो आधी घंटे तक उसको कंटिन्यू मैश करना पड़ता है टेस्ट लाने के लिए। ये रेसिपी के साथ वैसा नहीं रहेगा दोस्तों, जो तवा वाला टेस्ट रहता है आसानी से घर में ये रेसिपी से आ जाएगा, तो आप भी ट्राई करिएगा। मेन चीज़ इसमें मसालों का जो फ्लेवर होता है वो निकालने की और साथ ही में पाव को सॉफ्ट करने की है, तो दोनों चीज़ की टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों ये इजीली बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गैस ऑन कर कर एक कुकर गरम करना है रेगुलर साइज़ का ही, और मैंने ये अभी साफ़ करके लाया था इसलिए इसको पोंछ लेता हूँ एक बार। और फिर हम लोग इसमें तेल ऐड करेंगे। आप सोचोगे यमन क्या कर रहा है वापस पाव भाजी में तेल? दोस्तों तेल में कुकिंग करेंगे और बटर से फ्लेवर लेकर आएंगे, तो मैंने यहाँ पर है ना 2 चम्मच तेल को गरम किया है। जैसे ही तेल गरम होता है हम लोग इसमें जीरा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है, उसी के साथ में जब वो जीरा चटक जाता है ना हम लोग इसमें पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। ये करने से जो मसाले का फ्रेशनेस होता है ना वो आ जाएगा, पैकेट के मसाले हल्के से पुराने होते हैं, ये स्टेप से जाग जाएंगे फिर से दोस्तों। हम लोग इसमें टमाटर भी क्विकली ऐड कर देंगे, मसाला जलना नहीं चाहिए। 3 टमाटर मैंने लिए मीडियम साइज़ के, आप कह सकते हो मीडियम से थोड़े छोटे ही थे। उसी के साथ में हम लोग इसमें सब्जियां भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने गाजर, बीटरूट और आलू इस्तेमाल किया है, बीट से मस्त कलर आएगा, कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाजर से फ्लेवर आएगा, आलू से फ्लेवर के साथ साथ बाइंडिंग भी आएगी। आलू, गाजर और बीट के साथ में मटर भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने आधी कटोरी मटर यहाँ पर लिए, कच्चे मटर है दोस्तों। टेस्ट के लिए नमक भी ऐड कर देंगे और फिर हम लोग इसको अच्छी तरह चलाकर एक बार पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 10 सेकंड के आसपास पकाना है, नमक चारों तरफ मिक्स हो जाना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, तो ज़्यादा पानी भी ऐड मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास पानी इस्तेमाल किया है, आप कह सकते हो लगभग आधा लीटर के आसपास पानी इसमें ऐड किया है। और फिर फटाफट इसमें ढक्कन लगाकर इसको पकाएंगे। एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, जो सीटी होती है वो निकाल कर ढक्कन लगाइएगा अगर गैस ऑन है तो। बहुत बार क्या होता है ढक्कन उछल कर फिर से आपके ऊपर आ जाता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है दोस्तों। सीटी हटाइए, कुकर का ढक्कन लगाइए और फिर हाई फ्लेम पर इसमें 2 सीटी आने तक इसको पकाइएगा। जब 2 सीटी आ जाती है तब आप इसकी फ्लेम को लो कर सकते हो और 2 मिनट तक इसको पकने दीजिएगा सिमर पे दोस्तों। तब तक ये पक रहा है ना, आप प्याज को कट कर सकते हो। ये रेसिपी में 3 प्याज लगेंगे कम से कम। प्याज और शिमला मिर्च का मेन फ्लेवर रहता है, रोस्टिंग वाला फ्लेवर रहता है, तो उसको अभी हम लोग लेकर आएंगे। जब इसकी है ना 2 मिनट पूरी हो जाती है तब आप गैस को ऑफ कर इसको हटा दीजिएगा और कढ़ाई गर्म कर लीजिएगा। जो कढ़ाई आप यूज़ करोगे दोस्तों वो थोड़ी बड़ी साइज़ की रहनी चाहिए, उसके 2 रीज़न है। एक नंबर रीज़न क्या है कि उसमें कुकिंग फटाफट होगी, और दूसरा रीज़न क्या है, सरफेस एरिया जो रहता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट एक ही साथ में भून पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है ऐसी तवा वाली रेसिपी के लिए। मैं अभी कढ़ाई में बना रहा हूँ, तो कढ़ाई गर्म करने के बाद हम लोग इसमें तेल ऐड कर देंगे। अभी तेल मैं कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, बटर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो क्यों, तेल से बटर जलेगा नहीं। तो 1.5 चम्मच तेल ऐड किया और साथ ही में मैंने 3 चम्मच के आसपास इसमें बटर ऐड किया है। जैसे ये दोनों पकना स्टार्ट होते हैं ना हम लोग इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे। मैंने 1 कटोरी अच्छी तरह फिल किया हुआ इसमें कैप्सिकम ऐड किया है, महीन कट किया हुआ है, और उतना ही मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया है। दोनों चीज़ को महीन हो सके उतना महीन कट कीजिएगा, और फिर इसको रोस्ट करना है हम लोग को 2 मिनट तक। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्याज का जो पसीना होता है ना वो पूरा निकालना है, तो फ्लेम को हाई रखिएगा और बड़ी कढ़ाई में इसको कंटिन्यू चलाते हुए हाई फ्लेम पर रोस्ट कीजिएगा। तो प्याज को लाल नहीं करना है, मतलब उसका पसीना निकाल कर उसको लाल नहीं करना है, उसको पिंक करना है। तो पिंक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगी। 2 मिनट के बाद आप इसमें है ना नमक ऐड कर सकते हो, उसी के साथ में जो पाव भाजी के तड़के के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें पाव भाजी मसाला ऐड किया है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल किया है। इससे क्या होता है कलर बढ़िया आता है, आप चाहो तो रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग इतना बटर ऐड कर रहे हैं ना तो बटर स्पाइसीनेस को कट करता है, आप ज़्यादा भी ऐड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातों बातों में ही मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ली है, ये बहुत ज़रूरी है, बटर ही फ्लेवर आएगा इससे। 1 चम्मच मैंने इसको अपने हाथों में रख कर ऐसे रब कर दिया और फिर इसमें ऐड कर दिया। हम लोग इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हो। और धनिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्रेश धनिया मैंने यहाँ पर बहुत सारा लिया है,
इसको इसमें ऐड कर देंगे और फिर साथ ही में मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दूंगा। और 100% आपको अगर स्ट्रीट वाला लुक चाहिए तो आप इसमें हल्का सा कलर भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इसको रोस्ट करना ज़रूरी है मसालों को भी, तो भूनिएगा इसको फिर से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर। ब्राउन वगैरह नहीं करना है आपको, बस ये इंश्योर करना है कि जो मसाला है ना वो अच्छी तरह भुन जाना चाहिए। आप देख सकते हो अच्छा कलर इसमें आ चुका है। वैसे पाव भाजी मसाला और बाकी मसालों के कलर की वजह से डार्क लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको हम लोग खट्टा मीठा करने के लिए नींबू का रस इसमें डाल देंगे। आधा नींबू मैंने इस्तेमाल किया है, बाकी आप सर्विंग के टाइम पर ऐड कर सकते हो। साथ ही में मैं इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड कर दूंगा। पानी डालते साथ आप देखोगे ये उबलना स्टार्ट कर रहा है और साथ ही में जो अपने प्याज है ना वो भी खिलने स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेडी लग रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, जब तक ये है ना उबल रहा है हम लोग कुकर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि कुकर की भी टाइम पूरी आ चुकी है। ये आप ओपन करेंगे तो अंदर आप देखेंगे इसमें आलू मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। मतलब अपने जो आलू है, मटर है, टमाटर है, वो अच्छी तरह गल चुके हैं, पक चुके हैं, रेडी है बिल्कुल। अब हम लोग इसको अपनी तड़के में ऐड कर देंगे। ये रेसिपी को मैंने इजी क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि ये जो मैशिंग का स्टेप होता है ना बहुत आसान हो जाता है ये आलू को पकाने के बाद ऐसे कुकर में। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करिएगा, मस्त लगेगा। अभी ये जो स्टेप है इसको अच्छी तरह उबालने का है और मैश करने का है। लेकिन अगर ये सब्ज़ी अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं हुई है तो मैश करने में डबल टाइम लगेगी दोस्तों। तो आप कोशिश कर सकते हो ऐसे पोटैटो मैशर से इसको मैश करने की एक बार, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 2-3-4 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पर उबलने दीजिए। उसके बाद ये एक साथ आने लग जाएगा, आलू की वजह से बाइंडिंग भी आ जाएगी इसमें। उसके बाद मैश करना बहुत इजी हो जाएगा। तो लगभग 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपना जो मैशर है ना उसको एक बार इसमें चला लूँगा। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, अपनी सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी तरीके से पकी हुई है कि अगर आप चम्मच से भी इसको एक बार स्टर करोगे तो ये रेडी हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें अच्छी तरह बाइंडिंग आ चुकी है, सब्ज़ियाँ दिख नहीं रही है, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे सब्ज़ियाँ को, लेकिन वो बिल्कुल मौजूद है। कोई पेस्ट नहीं बनाया हम लोग ने, भाजी बिल्कुल भाजी लग रही है लेकिन हल्की से थिक ज़्यादा है। तो हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। पाव भाजी की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप इसमें पाव डिप करो ना तो पाव वो सारा भाजी का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। इतनी थिक नहीं होनी चाहिए कि जब आप बाइट करो तो पाव ड्राई ड्राई लगे दोस्तों। तो मीडियम कंसिस्टेंसी की मैंने इसको बनाया है। इसमें उबाल आ चुका है बिल्कुल, 90% काम तो हम लोग का कुकर में बॉयल करने की वजह से हो गया, मतलब मैशिंग उसमें आसानी से हो गई दोस्तों। तो काम अपना कम हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बढ़िया तरीके से इसमें उबाल आ रहा है और ये देखने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। तो अब मैं इसकी गैस को बंद कर इसको कोने में रख देता हूँ और फिर फटाफट हम लोग क्या करेंगे, पाव को अधूरा नहीं रखेंगे, उसमें भी फ्लेवर और जान लेकर आएंगे फिर से। क्योंकि रेगुलरली हम लोग को है ना ये ब्रेड वाला पाव मिलता है, तो उसको फिर से ताज़ा करने के लिए मैंने तवा गर्म किया है हाई फ्लेम पर। और फिर ये पाव को हम लोग ओपन कर लेंगे। 2 पीस मैं अभी ले रहा हूँ दोस्तों, तवा गर्म है तो मैं अभी इसमें बटर भी ऐड कर दूंगा। 1.5 चम्मच के आसपास बटर मैंने इसमें ऐड किया है और बटर में ताज़ा फ्लेवर लेकर आने के लिए धनिया ऐड करेंगे और शॉर्टकट यूज़ करेंगे दोस्तों। आप चाहो तो इसमें पाव भाजी मसाला और कसूरी मेथी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं हल्की सी इसमें भाजी ऐड कर रहा हूँ, इससे शॉर्टकट से ही हम लोग को पूरा फ्लेवर आ जाएगा। एक चीज़ क्या है, जब ये रोड में बनती है ना स्ट्रीट्स में, तो वही तवा में वो लोग ये पाव को रोस्ट करते हैं जिसमें भाजी बनाई जाती है, तो उसमें फ्लेवर पहले से ही रहता है भाजी का। घर के हम लोग के तवे में ऐसे नहीं रहता है ना, तो वो फ्लेवर ऐसे आ जाएगा इसमें और ये बिल्कुल टेस्टी लगेगी। रेडी है बिल्कुल। तो मैं पाव को बीच से कट कर इसमें रोस्ट कर लूँगा। सिर्फ 1/2 चम्मच के आसपास मैंने भाजी इस्तेमाल करी थी ये पाव को रोस्ट करने के लिए और आप देख सकते हो कितना मज़ेदार लग रहा है। बढ़िया तरीके से मैंने इसको प्रेस कर करके हाई फ्लेम पर रोस्ट किया है, बिल्कुल रेडी है ये। तो अब हम लोग इसको सर्व करते, तो प्लेट में मैं इसको रख लेता हूँ और फिर 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब मेरी भाजी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, तो उसको फिर से गर्म करूँगा। और आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, हाई फ्लेम पर मैंने इसको फिर से रखा है, लेकिन क्या हो रहा है कि भाजी हल्की से थिक ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं भाजी में हल्का सा पानी और ऐड कर रहा हूँ। मेन चीज़ वही है कि थिकनेस उसकी मीडियम रहनी चाहिए, अगर ज़्यादा थिक रहेगी तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अपनी भाजी जैसे जैसे गर्म हो रही है, मैं प्लेट में प्याज भी रख रहा हूँ और एक नींबू का टुकड़ा भी रख रहा हूँ।
उसके बाद हम लोग भाजी सर्व करेंगे। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है। ये जो पाव भाजी की रेसिपी आपको बनाने में तो मज़ा आएगा ही, क्योंकि आधे घंटे तक आपको वो मैशर से मैश नहीं करना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगी। लेकिन टेस्ट जो है इसका बिल्कुल मुंबई वाला है, स्पेशली जो बीचेस में मिलती है और जो रोड में मिलती है, बिल्कुल वैसी पाव भाजी की रेसिपी है। आसानी से कढ़ाई में हम लोग ने बनाई है और जो भी इसको टेस्ट करेगा उंगलियां चाटते रह जाएगा दोस्तों। फ्लेवर एकदम मस्त आया है, आप भी ट्राई करिएगा। तो कैसा लगा आपको ये इजी तरीका कुकर में पाव भाजी बनाने का और तड़का मस्त वाला देने का, नीचे कमेंट करिएगा, ट्राई करिएगा, मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और फेसबुक में कुकिंग शुकिंग को फॉलो जरूर करिए। मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।